दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है स्टॉक SIP। मैं आपको जरोदा काइट ऐप के द्वारा लाइव स्टॉक में SIP करके दिखाऊंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है जरोदा काइट ऐप, इसे ओपन करेंगे और इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने पर आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ज्यादातर जरोदा काइट ऐप को ही यूज करता हूँ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हालांकि मेरा डीमैट अकाउंट बहुत से स्टॉक ब्रोकर के साथ ओपन है, क्योंकि मुझे इसकी सर्विसेज अच्छी लगती हैं और इसमें ब्रोकरेज चार्ज भी काफी कम है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं जरोदा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, तो जरोदा का अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि SIP होता क्या है। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या कुछ स्टॉक के ग्रुप के अंदर आप हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मान लो जैसे कि ये जो 5 स्टॉक हैं, मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में कुछ अच्छा करेंगे, इसके अंदर मुझे हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है, तो हम इसे SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसा आपको फंड के अंदर रखना होगा या आप बैंक अकाउंट से भी लिंक कर सकते हैं। पैसा हर महीने आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा। आप कौन कौन से शेयर कितनी क्वांटिटी में हर महीने बाय करना चाहते हैं, ये आपको पहले से ही SIP के अंदर सेट करके रखना होता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक बाय होता रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ स्टॉक में SIP कैसे करते हैं। आपको टूल्स के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको SIP का फीचर मिलेगा, इस पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको न्यू SIP का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ SIP का नेम एंटर करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ स्टॉक SIP इन्वेस्टमेंट। आप SIP का जो भी नेम रखना चाहते हैं उसे यहाँ डाल देंगे, आप कोई भी नेम डाल सकते हैं। इसके बाद आपको एक बास्केट क्रिएट करनी होगी, न्यू बास्केट पर क्लिक करेंगे। इसमें बास्केट का नाम डालेंगे, आप बास्केट का कोई भी नाम डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया है फेवरेट स्टॉक। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ये देखिए बास्केट बन गई है। अब इसमें स्टॉक ऐड करेंगे, आप एक बास्केट के अंदर 20 स्टॉक ऐड कर सकते हैं। इसमें स्टॉक ऐड करने के लिए सर्च पर क्लिक करेंगे, आपका जो जो फेवरेट स्टॉक है, यानी कि जिस स्टॉक में आप SIP करना चाहते हैं, यहाँ उसका नाम डालकर सर्च करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ टाटा पावर डालकर सर्च किया है, तो इसके नीचे टाटा पावर का स्टॉक सर्च होकर आ गया है। अब इसमें भी आप NSE का स्टॉक ऐड करना चाहते हैं या BSE का स्टॉक ऐड करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई भी स्टॉक ऐड कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। चलिए हम NSE का स्टॉक ऐड कर लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको ऐड बाय के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आप यहां से भी स्टॉक एक्सचेंज चेंज कर सकते हैं, NSE या BSE। यहां पर आपको स्टॉक की क्वांटिटी एंटर करनी है, आप हर महीने इस स्टॉक की कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं। हमने यहां 2 क्वांटिटी एंटर कर दी हैं। इसके बाद प्रोडक्ट टाइप में लॉन्ग टर्म ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखना है, क्योंकि हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। यहां से मार्केट सेलेक्ट करेंगे, SIP डेट पर स्टॉक का जो भी प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पर स्टॉक बाय हो जाएगा। इसके बाद स्वाइप टू ऐड कर देंगे, ये देखिए बास्केट में एक स्टॉक ऐड हो चुका है। इसी तरह से अगला स्टॉक ऐड करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे, यहाँ स्टॉक का नाम डालकर सर्च करेंगे। इस बार हमने विप्रो डालकर सर्च किया है। अब स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, अब ऐड बाय पर क्लिक करेंगे, यहाँ स्टॉक की क्वांटिटी डालेंगे, आप इस स्टॉक की कितनी क्वांटिटी हर महीने बाय करना चाहते हैं। हमने 1 क्वांटिटी एंटर कर दी है, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से लॉन्ग टर्म और यहाँ से मार्केट सेलेक्ट करके स्टॉक को ऐड कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 4 स्टॉक ऐड कर रहा हूँ। एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको इसमें कम से कम 10 स्टॉक ऐड करने चाहिए और आपको अपने टोटल अमाउंट का 10-12% अमाउंट हर एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपने 5 स्टॉक का एक बास्केट बनाया है, जिसमें एक स्टॉक का प्राइस 1,000 रुपए, दूसरे स्टॉक का प्राइस 250 रुपए, तीसरे स्टॉक का प्राइस 200 रुपए, चौथे स्टॉक का प्राइस 500 रुपए और पांचवे स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है, तो आपको उस बास्केट के हर एक स्टॉक में 2,000 रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए।
आपको बास्केट में स्टॉक की क्वांटिटी इस तरह से ऐड करनी है, जिस स्टॉक का प्राइस 1000 रुपए है उसकी 2 क्वांटिटी, जिसका प्राइस 500 रुपए है उसकी 4 क्वांटिटी, जिसका प्राइस 250 रुपए है उसकी 8 क्वांटिटी, जिसका प्राइस 200 रुपए है उसकी 10 क्वांटिटी और जिसका प्राइस 100 रुपए है उसकी 20 क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। तो इस तरह से आप टोटल अमाउंट को सभी स्टॉक में बराबर बराबर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ 4 स्टॉक ऐड कर लिए हैं, यहाँ पर रिक्वायर्ड मार्जिन और यहाँ पर फाइनल मार्जिन शो होता है। जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस घटता बढ़ता रहता है, ये भी रोजाना घटता बढ़ता रहता है, SIP की ड्यू डेट से 1 या 2 दिन पहले आपको यहाँ पर आकर फाइनल मार्जिन अमाउंट चेक करना होगा और आपको इतना ही फंड या इससे ज्यादा का फंड ऐड करके रखना होगा। बास्केट में स्टॉक ऐड करने के बाद इस एरो पर क्लिक करके बैक जाना है। ध्यान रखना, भूल से भी इस एग्जीक्यूट के ऑप्शन पर क्लिक मत कर देना, वरना आपके ये सभी स्टॉक तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जबकि हमें SIP क्रिएट करना है यानी कि शेड्यूल करना है। देखिए अब यहाँ पर एक बास्केट आ चुका है फेवरेट स्टॉक के नाम से, इसमें टिक मार्क कर देंगे और यहाँ से SIP की शेड्यूलिंग करेंगे कि हमें पैसा कब और किस डेट में पे करना है। यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मान लो आप जॉब करते हैं और आपकी सैलरी महीने की 8 तारीख को आती है, तो आप 4-5 दिन का गैप लेकर डेट सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने 12 तारीख सेलेक्ट कर ली है, मैं 11 या 12 तारीख को इसमें फंड डालूंगा और 12 तारीख में मेरा शेयर खरीदा जाए। यहाँ से टाइम सेलेक्ट करेंगे कि 12 तारीख को आपका ऑर्डर किस टाइम पर एग्जीक्यूट हो। आप सुबह 9:30 से शाम 3 बजे तक का टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम 3 बजे का टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हर महीने की 12 तारीख को 3 बजे के समय मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाया करेगा। मैंने इस बास्केट में जो 4 स्टॉक ऐड किए हैं, उस टाइम पर इनका जो भी प्राइस चल रहा होगा उसी मार्केट प्राइस पर ये बाय हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मार्केट रेट पर डिलीवरी में बाय होगा। आपने यहाँ पर जो SIP की डेट सेट की है, अगर उस डेट में कोई हॉलीडे पड़ जाता है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में आपका SIP ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, जैसे कि आप यहाँ रीड कर सकते हैं। और आप यहाँ क्लिक करके बैंक मैंडेट का सेटअप कर सकते हैं। SIP के लिए आपको जितने फंड की जरूरत होगी उतना फंड आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली ऐड हो जाया करेगा, आपको मैन्युअली फंड ऐड नहीं करना पड़ेगा। बैंक मैंडेट का सेटअप कैसे करते हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद इसे स्वाइप करके क्रिएट कर देंगे। ये देखिए SIP क्रिएट हो चुका है। SIP देखने के लिए आपको फिर से टूल्स में जाना है, यहाँ SIP का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाना है। यहाँ स्टॉक SIP इन्वेस्टमेंट नाम का एक SIP है जो कि हमने अभी अभी क्रिएट किया है और ये एक्टिव है। इसके अंदर हमने एक बास्केट ऐड करा है जिसमें हमने 4 स्टॉक ऐड किए हैं। यहाँ एग्जीक्यूट का जो टाइम दे रखा है वो 10 दिन दे रखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने 2 तारीख में SIP क्रिएट किया है और SIP की पेमेंट डेट 12 तारीख सेट की है, इसलिए 2 तारीख से 12 तारीख तक 10 दिन होते हैं। 10 दिन में यानी कि 12 तारीख को शाम 3 बजे मार्केट रेट पर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि इसमें हमने जो 4 स्टॉक ऐड किए हैं वो बाय हो जाएंगे। मान लो किसी महीने आपके पास पैसे नहीं हैं या आपने पैसे और कहीं पर खर्च कर दिए हैं और आप उस महीने की SIP रोकना चाहते हैं, तो कैसे रोकेंगे? आप SIP के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको पाउस का बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके SIP को पाउस कर सकते हैं। अब यहाँ एक्टिव की जगह पाउस लिखा आ रहा है, यानी कि अब जब तक आप इसे एक्टिव नहीं करेंगे आपकी SIP पाउस रहेगी। आप कितने भी समय के लिए इसे पाउस करके रख सकते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या 1 साल या 2 साल, आप जब तक चाहें इसे पाउस करके रख सकते हैं। जब भी आप इसे एक्टिव करना चाहेंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको रिज्यूम का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके इसे एक्टिव कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आपको किसी स्टॉक को हटाना हो या ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ जो बास्केट का ऑप्शन दिया है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे एक बास्केट बना हुआ है फेवरेट स्टॉक के नाम से जो कि हमने क्रिएट किया था, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर आपने जितने भी स्टॉक ऐड कर रखे होंगे वो सभी यहाँ शो हो जाएंगे। अगर आप किसी भी स्टॉक की क्वांटिटी को घटाना या बढ़ाना चाहते हो तो आपको उसी स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि हमने ITC के ऊपर क्लिक किया है। यहाँ पर आपको मॉडिफाई का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप इसे एडिट कर सकते हैं, स्टॉक की क्वांटिटी को घटा बढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ स्टॉक की 2 क्वांटिटी कर दी है, इसके बाद मॉडिफाई पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ ITC की 2 क्वांटिटी हो गई हैं, तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक को मॉडिफाई कर सकते हो। अब अगर आप इस बास्केट में से किसी स्टॉक को डिलीट करना चाहते हैं या कोई दूसरा स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ऊपर बास्केट नेम के सामने एडिट का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ सभी स्टॉक के सामने डिलीट का आइकन दिया है, आप जिस स्टॉक को डिलीट करना चाहते हैं आप डिलीट पर क्लिक करके उस स्टॉक को बास्केट से हटा सकते हैं। जैसे कि हमने विप्रो को डिलीट कर दिया है, इसके बाद सेव कर देंगे।
ये देखिए यहाँ से विप्रो रिमूव हो चुका है। दूसरा स्टॉक ऐड करने के लिए आपको सर्च पर क्लिक करना है। इसमें स्टॉक का नाम डालकर सर्च करेंगे, जैसे कि हमने PNB डालकर सर्च किया है। स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, अब ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। इसमें स्टॉक की क्वांटिटी डालेंगे, यहाँ से लॉन्ग टर्म और यहाँ से मार्केट सेलेक्ट करके स्वाइप टू ऐड कर देंगे। तो ये देखिए PNB का स्टॉक ऐड हो चुका है। फिर से ध्यान रखिएगा कि आपको एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक नहीं करना है, आपको इस एरो के ऊपर क्लिक करके ही बैक जाना है। आप इसके अंदर एक से ज्यादा बास्केट भी बना सकते हो और हर एक बास्केट में 20 स्टॉक ऐड कर सकते हो। इसी तरह से आप इसमें मैक्सिमम 50 SIP क्रिएट कर सकते हो। अब बात आती है कि आपने SIP तो क्रिएट कर लिया और पेमेंट डेट वगैरह सबको सेट कर लिया है, लेकिन SIP का पैसा कहाँ से कटेगा? आपको SIP की ड्यू डेट से पहले बास्केट में आकर बास्केट नेम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जितना भी फाइनल मार्जिन दिखा रहा होगा उतना फंड या उससे 1500 रुपए से ज्यादा का फंड ऐड करके रखना होगा, क्योंकि ये स्टॉक के प्राइस के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। इसलिए पहले आपको यहाँ आकर फाइनल मार्जिन चेक करना होगा, आपको फंड कहाँ पर ऐड करके रखना है। चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से बैक जाना है और प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब फंड्स पर क्लिक करेंगे। आपको SIP की ड्यू डेट से पहले यहाँ पर फंड ऐड करके रखना होगा। आप ऐड फंड्स पर क्लिक करके इसमें फंड ऐड कर सकते हैं। SIP का पेमेंट इसी फंड से होगा। इसमें फंड कैसे ऐड करते हैं इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं। जो डेट और टाइम आपने SIP क्रिएट करते समय सेट किया होगा उसी डेट और टाइम पर आपके शेयर बाय हो जाएंगे, आपका पैसा फंड से कट जाएगा। हर महीने SIP के द्वारा जितने भी स्टॉक बाय होंगे वो सब आपके पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स में होंगे। आप पोर्टफोलियो में जाकर स्टॉक देख सकते हैं और यहीं से स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं। जैसे आप होल्डिंग्स के शेयर को सेल करते हैं वैसा ही प्रोसेस यहां भी रहेगा। अब अगर आपको SIP डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे? SIP में जाएंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके नीचे आपको डिलीट SIP का ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक करके इसे कंफर्म करेंगे तो यहां से SIP डिलीट हो जाएगा। अब अगर आपको बास्केट को डिलीट करना है तो बास्केट के अंदर आएंगे और यहां बास्केट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां एडिट का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे नीचे डिलीट बास्केट का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करेंगे और डिलीट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से बास्केट डिलीट हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि SIP और बास्केट डिलीट करने के बाद आपके शेयर्स का क्या होगा, तो समझ लीजिए कि बास्केट और SIP को डिलीट करने पर शेयर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। SIP और बास्केट का काम बस इतना ही है कि ये आपको हर महीने स्टॉक बाय करके देते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में शो होने लगते हैं। बाकी चार्जेस वगैरह सेम रहेंगे। जैसे आप डिलीवरी में किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करते हैं उस पर चार्ज लगता है, वैसे ही SIP के द्वारा स्टॉक बाय सेल करने पर चार्ज लगेगा। जरोधा में SIP और बास्केट क्रिएट करना बिल्कुल फ्री है, जरोधा इसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता है। तो आप जब चाहें SIP और बास्केट को क्रिएट कर सकते हो और जब चाहें डिलीट कर सकते हो। लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इसमें मेरी कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी तरह के स्टॉक को बाय करने या सेल करने की सलाह नहीं दी है, मैंने केवल उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है। अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।